Hello students, how are you? Today I am going to explain you chapter number 7, Sankhya means numbers. We have numbers very often whenever we converse. जब भी हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम कई बार नंबर्स यूज करते हैं. Therefore, knowledge of Sanskrit numbers is also very necessary. इसीलिए हमें संस्कृत नंबर्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है. You have learnt already Sanskrit numbers up to 50 in standard 7th. 7th standard में आप 1 से लेके 50 number तक के संस्कृत नंबर सीख चुके हो. In this chapter, you have learnt संस्कृत number up to 100. ये chapter में आपको 1 से लेके 100 number तक संस्कृत में numbers सीखना है. At first, I will explain you 1 to 100 numbers in Sanskrit and in English also. Then I will explain you chapter, okay? So first, one to hundred numbers in Sanskrit. Vanam, ekam, yani one, dve, yani two, trini, yani three, chatvari, yani four, panch, yani five, shat, means 6, Sapt means 7, Asht means 8, Nav means 9, Das means 10, Ekadas means 11, Dvadas means 12, Trayodas means 13, Chaturdas means 14, Panchdas means 15, Shodas means 16, Saptadash means 17, Ashtadash means 18, Navdash means 19, Vishatihi means 20. 11 से लेके 19 means एकादश से लेके नवदश तक सब में पीछे 10 लगता है, तो आप easily इस तरह से learn कर सकते हो. Now, एकविशतिहि means 21, द्वाविशतिहि means 22, त्रयोविशतिहि means 23, चतुर्विशतिहि means 24, पंचविशतिहि means 25, षट्विशतिहि means 26, सप्तविशतिहि means 27, अष्टाविशतिहि means 28, नवविशतिहि means 29, त्रिशत means 30. 21 से लेके 29 नंबर तक मीन्स एक विशति से लेके नौ विशति तक सब में पीछे विशति ही लगता है, तो आप इजीली लर्न कर सकते हो. नाउ 31, एक त्रिशत मीन्स 31, द्वा त्रिशत मीन्स 32, त्रय त्रिशत मीन्स 33, चतुस्त्रिशत मीन्स 34, पंच त्रिशत मीन्स 35, षट त्रिशत मीन्स 36, सप्त त्रिशत मीन्स 37, अष्टा त्रिशत मीन्स 38, नव त्रिशत मीन्स 39, चत्वारिशत मीन्स 40. 31 से लेके 31 तक 39 में सब में पीछे त्रिशत लगता है, तो इजीली इस तरह से आप लर्न कर सकते हो. नाउ 41, एक चत्वारिशत मीन्स 41, द्विचत्वारिशत मीन्स 42, त्रिचत्वारिशत मीन्स 43, चतुश्चत्वारिशत मीन्स 44, पंचचत्वारिशत मीन्स 45, षट्चत्वारिशत मीन्स 46, सप्तचत्वारिशत मीन्स 47, अष्टचत्वारिशत मीन्स 48, नवचत्वारिशत मीन्स 49, पंचाशत मीन्स 50. 41 से लेके 49 तक सब में पीछे चत्वारिशत लगता है, तो इस तरह से इजीली आप लर्न कर सकते हो. उसके आगे एक द्वि त्रि इस तरह से वर्ड्स लगते हैं. नाउ 51, एक पंचाशत मीन्स 51, द्वि पंचाशत मीन्स 52, त्रि पंचाशत मीन्स 53, चतुष्पचाशत
means 54, panch panchashat means 55, shat panchashat means 56, sapta panchashat means 57, asht panchashat means 58, nav panchashat means 59, shashtihi means 60. 51 से लेके 49 तक सब में पीछे पंचाशत लगता है और उसके आगे के वर्ड जो है वो एक द्वि त्रि इस तरह से लगते, तो इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हो। नाउ एक षष्ठी ही मीन्स 61, द्विषष्ठी ही मीन्स 62, त्रिषष्ठी ही मीन्स 63, चतुष्षष्ठी ही मीन्स 64, पंचषष्ठी ही मीन्स 65, षट्षष्ठी ही मीन्स 66, सप्तषष्ठी ही मीन्स 67, अष्टषष्ठी ही मीन्स 68, नवषष्ठी ही मीन्स 69, 70, सप्तषी ही मीन्स 70। षष्ठी से लेके नवषष्ठी तक मतलब 60 से लेके 69 तक सब में पीछे षष्ठी होता है और आगे एक द्वि त्रि इस तरह से वर्ड लगते हैं, तो इजीली आप लर्न कर सकते हो। एक सप्तसी ही में एक सप्तती मीन्स 71, द्विसप्तती ही मीन्स 72, त्रिसप्तती ही मीन्स 73, चतुस्सप्तती ही मीन्स 74, पंचसप्तती ही मीन्स 75, षट्सप्तती ही मीन्स 76, सप्तसप्तती ही मीन्स 77, अष्टसप्तती ही मीन्स 78, नवसप्तती ही मीन्स 79, अशीती ही मीन्स 80। 70 से लेके 79 मीन्स सप्तती ही से लेके नवसप्तती ही तक सब में पीछे सप्तती ही लगता है, उसके आगे के जो वर्ड है वो एक द्वि त्रि चतुष इस तरह से जॉइंट होते हैं, तो इजीली आप लर्न कर सकते हो। एकाशीति ही मीन्स 81, द्वैशीति ही मीन्स 82, त्रयस्तिशीति ही मीन्स 83, चतुर्शीति ही मीन्स 84, पंचाशीति ही मीन्स 85, षट्शीति ही मीन्स 86, सप्ताशीति ही मीन्स 87, अष्टाशीति ही मीन्स 88, नवाशीति ही मीन्स 89, नवति ही मीन्स 90। 80 से लेके 89 तक सब में पीछे शीति ही लगता है, तो इजीली आप लर्न कर सकते हो। एक नवति ही मीन्स 91, द्विनवति ही मीन्स 92, त्रिनवति ही मीन्स 93, चतुर्नवति ही मीन्स 94, पंचनवति ही मीन्स 95, षण्णवति ही मीन्स 96, षण सप्तनवति ही मीन्स 97, अष्टनवति ही मीन्स 98, नवनवति ही मीन्स 99, शतम मीन्स 100। नवति 90 से लेके 99 में सब में पीछे नवति ही लगता है, तो इजीली आप लर्न कर सकते हो। एट फर्स्ट यू राइट 1 to 100 नंबर इन संस्कृत इन इंग्लिश एंड देन राइट चैप्टर्स। ओके नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 7 संख्या। यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया हुआ है। सबसे पहले सुरेश अहो रमेश कुत्र गच्छति। सुरेश क्या बोलता है, अरे रमेश तुम कहाँ जा रहे हो। सुरेश सेस ओ रमेश वेर आर यू गोइंग। रमेश अह आपणम गच्छामि। रमेश क्या कहता है, मैं दुकान पे जाता हूँ। रमेश सेस आई एम गोइंग टू द शॉप। सुरेश अह अहम अपि आगच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। सुरेश सेस आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूँ। रमेश सेस भवान किम क्रेतुम इच्छति। रमेश क्या बोलता है,
तुम्हें क्या खरीदना है? रमेश सेज, व्हाट डू यू वांट टू बाय? तुम क्या खरीदना चाहते हो? सुरेश सह, अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि। सुरेश क्या बोलता है कि मैं फल खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय फ्रूट्स, मैं फल खरीदना चाहता हूँ। रमेश सह, पश्यतु तत्रैव फल विपणी अस्ति, चल तुम। रमेश क्या बोलता है, सी देखो वहाँ पे फ्रूट की फल की दुकान है, कम ऑन चलो हम चलते हैं। रमेश से सी द फ्रूट शॉप इज देयर इट्सेल्फ, कम ऑन। नेक्स्ट पेज पे सुरेश सह, पंचम्याम विपणयाम पक्वानी फलानी संति, देयर आर राइप फ्रूट्स इन द फिफ्थ शॉप, पांचवी नंबर की जो दुकान है वहाँ पे पके हुए फल मिलते हैं। रमेश सह, भद्र आम्रफलानाम क्रियत मूल्यम, रमेश क्या बोलता है, भद्र यानी भाई, भाई आम्रफला की कितनी प्राइस है, मतलब आम की क्या प्राइस है। हाउ मच डू द मैंगोज कॉस्ट, मैंगो की प्राइस क्या है। फ्रूट सेलर, फल विक्रेता 50 रुपयकाणाम 10 फलानी, क्या बोलता है फ्रूट सेलर, 50 रुपीज़ के 10 फ्रूट्स, 10 फलों के 50 रुपी 50 रुपये है। रमेश सह, द्रादस कदली फलानाम, रमेश क्या पूछता है और 12 केले के कितने हैं। कदली फलानाम यानी केला, तो द्वादश यानी 12 केले के कितने पैसे हैं। रमेश सेज, फॉर 12 बनानास हाउ मनी रुपीज़, तो फल विक्रेता क्या बोलता है, 16 रुपये काणी 16 रुपीज़। फ्रूट सेलर सेज 16 रुपीज़, फल विक्रेता जो है वो क्या बोलता है कि 16 रुपये। रमेश सह, चतुर्णा नारंग फलानाम और 4 नारंगी के कितने प्राइस है। रमेश सेज, फॉर ऑरेंजेस हाउ मैनी प्राइस, फल विक्रेता 20 रुपये गाणी, फ्रूट सेलर क्या बोलता है 20 रुपीज़ है। सुरेश सह, तही मह्य 300 कदली फलानु ददातु, सुरेश क्या बोलता है, देन गिव मी 30 रुपीज़, 30 बनानास, मुझे 30 बनाना 30 केले चाहिए कि 30 केले तुम दे दो। रमेश सह, मह्यम 12 नारंग फलानी ददातु, रमेश क्या बोलता है कि मुझे 12 नारंगी दे दो। रमेश सेस, गिव मी 12 ऑरेंज। सुरेश सह, क्रियत मूल्यम कितने पैसे हुए, हाउ मच मैनी इज इट, दोनों के कितने पैसे हुए। फल विक्रेता कदली फलानाम 44, नारंग फलानाम 64 ही। फ्रूट सेलर क्या बोलता है कि 40 रुपीज़ फॉर बनानास, केले के कितने हुए, 40 रुपये हुए, और 60 रुपीज़ फॉर ऑरेंजेस, ऑरेंज किसके के कितने हुए, 60 रुपीज़। रमेश सह, 7 रुपये काणी स्वीकरो तो, 100 रुपीज़ लो, टेक दिस 100 रुपीज़। फ्रूट सेलर भवतु, फ्रूट सेलर क्या बोलता है, थैंक यू। नेक्स्ट है ग्लोसरी, कदली फलम यानी क्या होगा, बनाना, नारंग फलम यानी ऑरेंज, बनाना यानी केला, ऑरेंज यानी नारंगी, आम्र फलम यानी मैंगो आम, आपणम यानी शॉप, दुकान को क्या बोलते हैं संस्कृत में, आपणम, क्रेतुम यानी फॉर बाइंग खरीदने, विपणी यानी शॉप, पकवानी यानी राइप पके हुए, उसको पकवानी बोलते हैं संस्कृत में, भद्र यानी जेंटलमैन या तो भाई, कियत यानी हाउ मच कितने, भवतु यानी ओके। उसके बाद एक्सरसाइज है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली,
वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है. आपणम, क्रेतुम, तत्रैव, विपणयन यन्ति, पंचाशत, रुप्यकाणाम, चतुर्णाम, नारंग फलानाम, मह्यम, सत रुप्यकाणी. नेक्स्ट पेज पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत. संस्कृत में क्वेश्चन आंसर के आंसर देने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं. द्वादश कदली फलानाम कियत मूल्यम, 12 केले के कितने रुपये हुए, तो उसका आंसर क्या होगा, द्वादश कदली फलानाम 16 रुप्यकाणि, 16 रुपीस. कति नारंगी फलानाम मूल्य 20 रुप्यकाणि, कितने नारंगी के 20 रुपये हुए, जो चतुर्णाम नारंगी नारंग फलानाम 20 ही रुप्यकाणि. कह फल विक्रेते 7 रुप्यकाणि ददते, कौन देता है फल विक्रेते को 100 रुपीस, तो रमेश फल विक्रेते 7 रुप्यकाणि ददाति, रमेश देता है. रमेश कति नारंगी फलानी क्रीणाति, रमेश कितनी नारंगी लेता है, 12. रमेश 12 नारंग फलानी क्रीणाति. त्रिशत कदली फलानाम कियत मूल्यम, 30 केले के 30 केले के कितने पैसे रुपये हुए, तो त्रिशत कदली फलानाम 44 रुप्यकाणि, 40 रुपीस. उसके बाद मैचिंग यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, संस्कृत में वर्ड्स में है और नंबर्स में राइट सामने लिखना है. 99 ही मीन्स 99, 76 ही मीन्स 76, 44 मीन्स 49, 81 मीन्स 81, 97 मीन्स 96. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. डैश कदली फलानाम चतुस्त्रिशत रुप्यकाणि, तो कितने फलों के चतुस्त्रिशत रुप्यकाणि हुए, तो द्वादश कदली फलानाम 12 केले के. पंचदाढ़ी नाम मूल्यम डैश रुप्यकाणि, तो क्या होगा, 44. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड है, 10 आम्र फलानाम मूल्यम डैश रुप्यकाणि, 10 द्वादश आम्र फलानाम के कितने हुए, 85